तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ग्लोबल रैंक सर्वर खेल रहे हैं और अभी रेड का टाइम जो है ना वो शुरू हो चुका है। तो इसीलिए रेड का टाइम शुरू होते ही हम लोग आ चुके हैं इस बेस पर रेड करने के लिए। सबसे पहले हमने उस बेस को चुना है जो कि है एक चाइनीज का। तो इसमें चाइनीज खेल रहे थे और मतलब चाइनीज ही सबसे ज़्यादा मतलब रूम लूटिंग ये सब कुछ कर रहे थे सर्वर में। तो इसलिए हमने सोचा सबसे ज़्यादा लूट इन्हीं के बेस में मिलेगी, तो सबसे पहले इन्हीं का बेस रेड करना चाहिए। और दूसरी बात एक ये भी है कि चाइनीज अगर रहेंगे ना तो फिर उसके बाद हो सकता है हमारा बेस रेड हो जाए, क्योंकि इनके पास में अच्छी खासी तैयारी थी। तो मैं बता दूँ आप सभी को, इस बेस में अभी दो बंदे ऑनलाइन है। तो अभी मेरी जो हेल्थ थोड़ी बहुत कम हुई है ना, वो इसीलिए कम हुई है क्योंकि इसके जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे दो बंदे बैठे हुए हैं और वो फायर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा इधर की साइड में आ गया और हमने मतलब टावर बना के एसके को बैठा रखा है, क्योंकि एसके ने कहा था कि ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अकेला ही संभाल लूँगा, आप लोग रेड करो ताकि जल्दी से जल्दी इस बेस पर रेड हो जाए। तो इसलिए ये रेड ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों इस बंदे का बेस देख लो, हम लोग रेड करते जा रहे हैं ना, तो आधा अधूरा मतलब इसने आयरन का कर रखा है, बाकी हिस्सा इसने वुड का बना रखा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसने इस तरह से अपग्रेड क्यों किया है। देखो बेसल अपग्रेड है, चारों तरफ से आयरन से अपग्रेड है और बीच बीच का जो हिस्सा है वो मतलब वुड का है। तो ना जाने बंदे का दिमाग कैसा चल रहा है कि मतलब इसने आधा अधूरा बेस अपग्रेड किया है। तो चलो अभी ऊपर की साइड तक का तो हमें रास्ता मिल चुका है, तो ऊपर की साइड हम लोग आ चुके हैं। लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चल रहा था कि इसकी कैबिनेट ऊपर वाले फ्लोर में है या फिर नीचे वाले में। अब जब हमने इस बेस पे रेड करने की सोची थी ना, तब मतलब हम लोगों ने इस बेस को बाहर से देखा, तब हमें ये लगा था कि इसके बीच के फ्लोर में मतलब ऊपर वाले फ्लोर में हमें टीसी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक यार, अब जब हम लोग रेड कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो यार एसके ने मुझे बुलाया था कि यार थोड़ी देर यहाँ पर आ जाओ और मतलब इन बंदों को थोड़ी देर डरा दो यार थोड़ा बहुत मतलब फायर करके, क्योंकि वो मतलब दो बंदे ऑनलाइन थे। तो इसलिए वैसे तो एसके उनको किल कर रहा था कंटिन्यू, लेकिन फिर भी एसके ने मुझे थोड़ी देर के लिए बुलाया था, तो इसलिए मैं थोड़ी देर जाके देख लिया। उसके बाद वो बंदे वापस आए नहीं यार फाइट लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये बंदे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हम लोग यार 5-6 बंदे गए थे रेड करने के लिए इस बेस पर। तो चलो अभी मतलब देख लो, यहाँ का ऊपर का फ्लोर जो है ना, इसको हमने काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। लेकिन अभी हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि यार इसकी टीसी कहाँ पे होगी। तो इसलिए हमने एक बात कही, मतलब हमारी टीम ने भी और मैंने भी एक ही बात कही भूपेश भाई को, कि भूपेश भाई पहले इसका जो आयरन फोल्डिंग लेडर लगा हुआ है ना, उसको बॉम्ब लगा के तोड़ दो, ताकि हम बाहर से देख सके इस बेस के अंदर कि टीसी कहाँ पे लगी हुई है। तो चलो अभी फोल्डिंग टूटने के बाद में देखो, मैं आपको दिखाऊंगा हमारा अंदाजा कितना सही था और कितना गलत। अब मैं एक बार बाहर जाता हूँ, ठीक है। तो बाहर जाने के बाद मतलब जो अंदाज़ा मैंने और मेरी टीम ने लगाया था ना, कि यार एक बार मतलब फोल्डिंग टूट जाएगा ना, उसके बाद टीसी का पता चल चुका है। तो टीसी का पता यार सच में चल चुका है। आप लोग देख सकते हो कि जो वाल है स्टील से अपग्रेड, वहाँ पे ही टीसी है। मतलब यार पक्का शक आ रहा है वहीं पर टीसी हो सकता है, क्योंकि स्टील में अपग्रेड में ही टीसी रख सकता है बंदा। और नीचे से बंदे ने दिमाग नहीं लगाया, यहाँ पर देख लो आयरन की सीलिंग कर रखी है, तो इसलिए हमने हेडमेट लगा दिए और अब जल्दी ही सीलिंग टूट के कैबिनेट डायरेक्ट टूट जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बॉम्ब जो है वो भूपेश भाई के क्राफ्ट में थे, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी भूपेश भाई के पास में बॉम्ब बनने में टाइम लगेगा, उसके बाद में सीलिंग पे लगाएंगे। तो उन्होंने तभी यार बॉम्ब लगा दिया और मैं किल हो गया। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पास में यहाँ पे मतलब रेड करने से पहले एक छोटा सा बेस बनाया था और उसको स्टोन से भी अपग्रेड किया था, क्योंकि हमें पता था ये रेड ऑनलाइन होने वाली है। तो दोस्तों देख लो, वो है बेस जिस पे हम लोग रेड कर रहे हैं और यहाँ पे हमने बेस बनाया था। हम पहले आके देखे थे यहाँ पे, मतलब ये बंदे तब भी ऑनलाइन थे और हमने सोचा था चलो यार रेड कर देते हैं, दो ही तो बंदे ऑनलाइन है। तो इस बेस पे हमने इसी तरह से ऑनलाइन रेड की। और देखो मैं यहाँ तक आया हूँ, तब तक मतलब हमारे टीममेट मतलब सीलिंग तो टूट के और मतलब कैबिनेट तो टूट ही गई थी, और हमारे टीममेट ने कैबिनेट लगा के अपनी और बेस को पूरा गिरा दिया है। अब मेरी जो लूट रह गई थी ना यहाँ पे, वो मुझे वापस मिली गई है सारी की सारी। तो अब मैं आयरन बार कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आयरन बार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बेस पे यार। मतलब उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि कैबिनेट में डालने के लिए आयरन बार हमारे पास में ज़्यादा नहीं है। और लास्ट में हम लोगों ने मतलब फार्मिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि हमें पता था हम लोग रेड करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन बार मिल जाएगा, तो इसलिए हमने फार्मिंग करना बंद कर दिया था। वैसे भूपेश भाई ने एक दिन काफ़ी ज़्यादा आयरन बार फार्मिंग किया था। तो यार यहाँ पे देखो काफ़ी सारे बॉम मिले हैं मुझे, सिंपल ऑयल बॉम और C4 मिला है, वैसे ज़्यादा भी नहीं यार, और एक्सप्लोसिव मिला है मुझे। चलो तो ये मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब बाकी कुछ खास लूट नहीं है, GP तो थोड़ा सा की है,
ये देख लो, ये लूट अभी मेरे पास में आ चुकी है यार, अच्छी खासी लूट आई है। वैसे देखो हमारे टीममेट भी यहाँ से लूट कलेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग अभी मतलब डिस्कॉर्ड पे बात कर रहे थे कॉल पे, तो मतलब मेरे सभी टीममेट बता रहे थे कि यार काफ़ी अच्छी खासी लूट मिल गई है इस बेस से। तो चलो इधर की लूट तो कलेक्ट कर लिए, इधर कुछ भी नहीं है, और इधर देख लेता हूँ एक बार मैं। तो यार AKM की एमओ दिखाई दे रही थी मुझे, 5 चाहिए, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यार काम आएगी मेरे, क्योंकि मेरे पास में अभी बैरल है, इसमें भी वही एमओ काम में आती है। चलो तो यार दोस्तों, वैसे ये जो ऑनलाइन रेड थी ये तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, अब तो बस हमें लूट उठाना बाकी है। तो यहाँ पे कुछ आयरन आर्मर दिखाई दे रही थी, वो मैंने कलेक्ट कर लिए। अब अपना बैग जो है ना वो पूरी तरह से फुल हो चुका है यार, कुछ नहीं बचा है। चलो मैं एक बार आगे और देख लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई लूट मुझे खास दिखाई देगी तो मैं अपने टीममेट को बता दूंगा, क्योंकि अभी तो हमारे टीममेट के बैग खाली है। तो यहाँ पे और आयरन, मतलब आयरन आर्मर है यार, आयरन बार नहीं, आयरन बार तो मैंने वैसे ही कलेक्ट कर लिया है। तो ये दूसरी गन मुझे जो मिली है ना बैरल, इसको मैंने शॉर्टकट बार में ले लिया है, और जो दूसरी आर्मर है मतलब बोन आर्मर, उसको मैंने बैग से निकाल दिया है क्योंकि उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। चलो नेटल भी निकाल दी क्योंकि वो भी 4 ही थी यार। तो यहाँ पे एक और AKM मिली है मुझे। वैसे हमारे पास में हाई वेपन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बैग खाली है तो कुछ तो लेना ही चाहिए यार। अब दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था एक भाई का, उन्होंने ये पूछा था कि भाई जब आपका बेस रेड हो गया तो फिर उसके बाद में आपके पास में बॉम कैसे रह गए और क्राफ्ट में बॉम कैसे लगाते हैं। मुझे लगता है ये न्यू प्लेयर थे इसलिए इन्होंने ये बात पूछी। तो मैं आपको बता देता हूँ यार, अगर जानकारी नहीं है तो सिंपल सी बात है, देखो पहले आप कोई ऐसी चीज़ बाय कर लो, जैसे कि मेरे पास में CD है, आप जानते होंगे, तो या तो CD बाय कर लो आप, वो ट्रेड टिकट से आपको मिल जाएगी। और अगर CD नहीं ले सकते तो फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ लगा लो जो ज़्यादा टाइम में तैयार होती है, ठीक है। उसके बाद में एक काम तो ये हो ही गया, अब उसके बाद में आप मतलब बॉम लगा लो क्राफ्ट में, जैसे कि GP आपके पास में एक साथ तैयार पड़ा है, एक लार्ज स्टोरेज और इसी के साथ साथ एक्सप्लोजिव भी तैयार पड़ा है, तो उससे आप हेडमेड और C4 भी लगा सकते हैं क्राफ्ट में, और सिंपल ऑयल बॉम भी लगा लिए 3 स्टेक में, तो वो हो गए। और बाकी एक स्टेप मैं आप मतलब CD लगा लीजिए या फिर कुछ कैंप फायर या कुछ भी ऐसा लगा लीजिए यार जो ज़्यादा टाइम में तैयार हो। तो उसके 2 फायदे होते हैं, अभी जैसे कि मैं CD लगाता हूँ शुरू में क्राफ्ट में, ताकि मतलब क्या होता है CD से एक फ़ायदा तो ये भी है कि अपने पास में जो आयरन बार होता है ना वो भी सेफ हो जाता है, जैसे कि कहीं पे भी बेस बनाने की ज़रूरत पड़ी ना तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो जो मतलब क्राफ्ट में CD लगी होती है उसको कैंसिल कर देते हैं और डायरेक्ट बेस को आयरन से अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्टोन तो कहीं पर भी मिल जाता है और वुड भी मिल जाती है। तो बस सिंपल सी बात है, 4 स्टेक होते हैं मतलब बनाने के, उसमें से एक में आपको CD या कैंप फायर ऐसा कुछ रखना पड़ेगा और पीछे उसके मतलब बॉम रखने पड़ेंगे। तो मतलब जब बॉम आपको तैयार करने हो, जैसे कि किसी बेस पे रेड करना हो, तो बस उस बेस पे जाइए और CD को पीछे लीजिए और बॉम को आगे लीजिए, बॉम तैयार होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही बॉम का काम नहीं रहा वापस बॉम को पीछे कर दीजिए और CD को आगे ले लीजिए या फिर कैंप फायर को जैसे कि, तो बस इसी तरह से आपको काम में लेने हैं बॉम, उससे आपके बॉम सेफ रहेंगे। चाहे से आपके बेस पे कितनी भी रेड हो जाए आपकी सारी गन चली जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग रेड कर पाओगे। तो दोस्तों चाइनीज का बेस रेड करके वहाँ पे पास में एक और छोटा सा 4x4 का बेस दिखाई दिया था, उस पर भी हम लोगों ने रेड कर दी, वैसे उसमें मिला तो कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद में हम लोग आए इस बेस पे, तो अभी इस बेस पे भी भूपेश भाई और थोर भाई रेड कर रहे हैं, तो देखते हैं इस बेस में क्या मिलेगा। मैं वैसे बाहर ही था और मैंने यहाँ पे बैग ही लिया था इन्हों से, तो अभी देखता हूँ यार मैं, क्योंकि मैं मतलब अभी ऑनलाइन आया था, हम लोगों ने वो चाइनीज के बेस पे रेड करके हम लोग ऑफलाइन हो गए थे। फिर उसके बाद जब दोबारा हम नाइट में ऑनलाइन आए थे लगभग 1 बजे, तो तब ये लोग रेड करने के लिए बेस ढूंढ रहे थे, तो इसीलिए मैंने बोला इनको कि मुझे भी बैग दो। तो अभी ये देख लो ये इस बेस पे रेड स्टार्ट कर रहे थे, तो इन्होंने कहा ठीक है PG भाई को बैग दे देते हैं, उसके बाद में इस बेस पे रेड करते हैं। वैसे हमारे टीम वालों ने और भी बेस पे रेड कर दिए, इसीलिए इनके पास में AKM और मतलब और हाई वेपन भी थे यहीं की यहीं पे, मतलब ये बेस से कुछ भी नहीं लेकर आए थे, सीधा कार लेके निकले थे। और मतलब ये बोल रहे थे कि बॉम्ब तो वैसे भी क्राफ्ट में है, तो सीधा मतलब बेस पे रेड स्टार्ट ही कर देंगे और फिर बेस से जो लूट मिलेगी, जैसे कि हाई वेपन तो मिलेंगे, तो बस अपने पास में गन भी आ जाएगी। बस फिर क्या है, मतलब सारी लूट कलेक्ट की, सारे हाई वेपन कलेक्ट किए और बेस पे ले आएंगे सारी लूट, बस यही हमने तरीका अपना रखा है यार। तो इसलिए मेरे पास में अभी AKM आ गई है, ये मुझे भूपेश भाई ने दिए। और अभी इस बेस की फ़िलहाल कैबिनेट तो टूट चुकी है यार, अब बारी है इस बेस को तोड़ने की। तो पहले मैं एक बार फर्नेस चेक कर लेता हूँ, तो इसमें आयरन बार है और चारकोल है, चलो ये मैंने कलेक्ट कर लिया है, वैसे ज़्यादा चारकोल तो नहीं मिला। अब एक बार वुड स्टोरेज भी मैं चेक कर लेता हूँ, तो यार ये तो मुझे कुछ खास लूट तो दिखाई नहीं दे रही है वुड स्टोरेज में, मुझे लगता है ये एक सोलो बंदे का बेस है।
चलो तो लूट तो कुछ भी नहीं मिली, अब एक बार हमारे टीममेट बस टीसी लगा दे, उसके बाद में इस बेस को तोड़ देंगे हम लोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आज के ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर जगह फैला दीजिए यार। और जिन भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।